ये ट्रेनर दिमाग का नहीं सही है। कहले 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 यौन करते कहले कर 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 ले फिर आ गए। जय हिंद। तो अतुल को सवाल पूछना था, क्या है अतुल आपका सवाल बोलिए। सर जैसे कि होता है कभी कभी ना कि जैसे बाइसेप पे ज्यादा हो जाता है एक तरफ का, एक तरफ का कम हो जाता है, तो सर इसको कैसे ठीक करें, इसी के बारे में सर थोड़ा। हाँ, इसी के बारे में वीडियो में बात करूंगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो आपको बता देता हूँ, देखिए जब भी बाइसेप की बात आती है तो लोग को इसे मरते रहते हैं कि बाइसेप मार के इसे फुलाए देगी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो आप जब वो पंप होता है उसको फुलना नहीं कहते, वो धीरे धीरे बनता है, मसल है। लेकिन समस्या ये है कि डायरेक्ट आप कूद जाएंगे बाइसेप पे तो आपको दिक्कत आती है। अधिकतर जो लोग होते हैं ना, आप क्रिकेट खेलोगे दाहिने तरफ खेलोगे या तो बाएं तरफ, बीच से खेलोगे नहीं, ऐसे क्रिकेट हो रहा है ससुरवा। ऐसे क्रिकेट तो होगा नहीं ना। तो जब भी आप राइट होते हो या तो लेफ्टी होते हो तो एक तरफ आपका थोड़ा 19-20 होता ही है। आप काम पूरा दिन भर दाहिने से कर रहे हो तो वो मसल स्ट्रांग हो जाती है, थोड़ा 19-20 बढ़ जाता है। लेकिन जब जिम में आप जाते हैं तब भी आप और बकचोदी करें जिससे वजह से और खराब हो जाता है। पहली चीज वार्म अप नहीं करना, डायरेक्ट वेट से स्टार्ट करना विदाउट वार्म अप। वार्म अप में क्या है कि आपको बाइसेप का वार्म अप लोग करते पहले प्लेटें लेग मारने लगा थे मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल या डंबल लाइट वेट डंबल से नहीं, आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। इस तरीके से स्ट्रेचिंग करो ऐसे, तो ये पूरा बाइसेप को स्ट्रेच करेगा ऐसे। कम से कम 3 मिनट इसको ऐसे, फिर उसके बाद 2-3 मिनट ऐसे कर लो ताकि मसल जो है पूरी स्ट्रेच हो जाए। मेन चीज़ है ना भैया, अगर स्ट्रेचिंग करोगे तब ज़्यादा फायदा होगा। तो स्ट्रेचिंग से आपकी जो बाइसेप का जो इधर अंड बंड हुआ है वो हेल्प करने में ज़्यादा मदद करेगा, जो सही कर दे पहली चीज़। दूसरी चीज़ शीशा होता है साला, कांच ले लेंगे, डंबल मान लो, डंबल तो यहाँ पे नहीं है, ईट ले लेंगे ऐसे मार रहे हैं दो, मतलब मान लो 2 ले लेते हैं हम, अब देख रहे हैं एक शीशे में, अब वो वाला हाथ नहीं देख रहे हैं इसको, 1 2 1 उनका यह कि जल्दी से इसको मार के इस पे आए क्योंकि हमको सीसीएम फुलाना है, इसको देखना है। अब एक पे आपने ध्यान दिया, दूसरे को जीरो संभल रहे हो, दूसरे को सही ट्रेन नहीं करो, एक बार सही मार, एक बार ये एक बार सही मार, एक बार झंडे फंड मार के खत्म कर घिस पे आ गए। वाह क्या सीन है। तो ये बकचोदी सबसे बड़ी कमी है। तो आपको जब भी ध्यान देना है ना, तो आप अगर सीसीएम ध्यान दोगे ना भैया, चाहे ऐसे मार रहे हो चाहे ऐसे मार रहे हो डंबल से, तो आप हमेशा देखोगे आपका एक कम एक ज्यादा हो जाए। क्यों? क्योंकि आप एक ध्यान दे रहे हो। कैसे करना है? तो आपको सीसीएम नहीं ध्यान देना है, आपको अपने बाइसेप पे ध्यान देना है। ये फुल गया, आपने देखा कि इसका फॉर्म सही नहीं, तो आपको क्या देना है, हमेशा फॉर्म पे ध्यान देना है। चेस्ट ऊपर रखिए और फॉर्म पे ध्यान दीजिए, और ज्यादा ओवर बकचोदी नहीं, कुछ भी मार रहे हो आप, तरीका होना चाहिए, आराम से जाना है, पूरा जो बाइसेप उसको फुलाओ। फुलाने का मतलब है जब हम ले गए ऊपर इतना ले गए, लेकिन अभी इस पर हम प्रेशर है पूरे ताकत लगा के, ये मसल भी ग्रो करेगा और आपका जो अंडबंड होने नहीं देगा। तो आप चाहे डंबल से ऐसे मार रहे हो चाहे ऐसे मार रहे हो, तरीका ये होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपका देख रहे हो कि बाइसेप कमजोर है, एक तरफ का कम एक तरफ ज्यादा पहले से है, और नहीं ज्यादा है आपको लगता है कि ज्यादा ना हो जाए, तो आपको हमेशा रॉड वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। रॉड में 12 रन लगा के रॉड से बाइसेप मारना चाहिए, उससे आप सामने रहोगे पहली चीज, और सामने से देखोगे और एक हाथ अंडबंड नहीं होने पाएगा, और रॉड है सिर्फ एक तरफ से कैसे लाओगे, ऐसे करोगे नहीं ऐसे, तो आप सीधा दोनों लाओगे। ये बहुत जरूरी चीज है, आपको बार बार से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जब भी आप बाइसेप करो 3 से 4 सेट आपको बार बार से करना चाहिए, उससे आप देखोगे आपका बाइसेप पूरा स्ट्रांग होगा, पूरी मसल जो है बराबर निकलेगी और उभर के बाहर आएगी। डंबल जब भी कर रहे हो भैया, तो कभी बकचोदी ये मत करना कि कुछ ही मार रहे हैं, पहले अपने फॉर्म को समझो, टेक्निक को समझो, तब मारो। रोज ट्रेनर से पूछना बहुत बड़ी पगले हो जाते, किसी के ट्रेनर दिमाग का नहीं सही है। कहले 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 यौन करते कहले कर 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 कुछ भी करवा दिया, गर्लफ्रेंड झगड़ा हुआ है, घर वाले ने डांटा है, कौन है ये लोग, तो अपना भड़ास आपके ऊपर निकाल देगा। और तो आपको क्या करना, सीखना है कि अगर एक बार ट्रेनर बता दिया बढ़िया से सीख लो, दोबारा पता नहीं जरूरत पड़े, हम कर लेंगे। ये चीज है बहुत जरूरी है, लोग अधिकतर बकचोदी यही करते हैं, उनको पता ही नहीं मारना कैसे है, कुछ ही मार रहे हैं। तो जब भी आप बाइसेप कर रहे हैं स्ट्रेचिंग, उसके बाद सही तरीके से फॉर्म टेक्निक, और स्लो ले जाकर पूरा फुलाओ, फील करो फील, उसके बाद बार बार एक्सरसाइज करो, आप देखेंगे आपको कभी भी बाइसेप अंडबर्न नहीं होगा। समझ में आया? समझ रहे हो आप? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ वर्कआउट के साथ। आप ये पगले ही मत करो और बाइसेप को अंडमंड मत करो। जय हिंद।